फिल्म नायक में अभिनेता अनिल कपूर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उसकी तर्ज पर एमपी में 9वीं का एक छात्र एक दिन का कलेक्टर बना है। खुद कलेक्टर ने उसे अपनी कुर्सी पर बैठाया और इस अहम जिम्मेदारी के बारे में बताया। उसका नाम रुद्र प्रताप झारिया, उम्र करीब 14 साल, कक्षा 9वीं का है। एक दिन के लिए ही सही, डिंडौरी के रुद्र का कलेक्टर बनने का सपना पूरा हो गया। जिले के प्रशासनिक मुखिया की कमान संभालने रुद्र प्रताप सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस मौके पर कलेक्टर विकास मिश्रा ने खुद छात्र का वेलकम किया। वे पहले छात्र को अपने चैम्बर में ले गए, वहां कुर्सी पर बिठाया और कलेक्टर के कामकाज से रूबरू कराया। यही नहीं, जब छात्र लौटने लगा तो कलेक्टर ने खुद कार का दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठाया। कुछ देर रुद्र प्रताप गाड़ी में बैठकर घूमा भी। इस दौरान कलेक्टर विकास मिश्रा रुद्र प्रताप को पेसा एक्ट के बारे में जानकारी देते रहे। साथ ही उन्होंने लोगों को पेसा एक्ट के बारे में प्रेरित करने को कहा है। इस दौरान कलेक्टर ने कार्यालय के बाहर खड़ी मां के पैर लगवाए। दरअसल शनिवार सुबह धनुआ सागर मॉडल स्कूल पहुंचे डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा की मुलाकात 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र रुद्र प्रताप झारिया से हुई। बातों बातों में कलेक्टर ने रुद्र प्रताप से उसकी जिज्ञासा पूछी। रुद्र प्रताप ने कहा, मेरा सपना कलेक्टर से मिलने का है। मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं कलेक्टर बनूं। हमारे समाज में पिछड़ापन है, लोग मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। मुझे अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है। कलेक्टर ने रुद्र प्रताप को सोमवार को कलेक्ट्रेट आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा, मैं कलेक्टर की कुर्सी पर बैठूंगा और कलेक्ट्रेट घुमाऊंगा। छात्र रुद्र प्रताप झारिया के पिता सीएम राइज कन्याशाला के प्राचार्य हैं। मां राम कुमारी झारिया गृहिणी हैं। एक भाई लीलेश झारिया ज्ञानोदय स्कूल जबलपुर में पढ़ता है और एक भाई चंद्रकांत झारिया सहपुरा में स्थानीय स्कूल का छात्र है। रुद्र की एक 5 माह की बहन अनन्या भी है। पूरा परिवार अनुसूचित जाति छात्रावास क्रमांक 3 में रहता है। रुद्र प्रताप की वजह से कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे पिता अखिलेश झारिया का कहना है कि भगवान ने हमें आशीर्वाद स्वरूप ऐसा ज्ञानवान गुणवान बेटा दिया है, जिसकी वजह से हम कलेक्टर से मुलाकात कर पाए, हम धन्य हो गए हैं। वहीं मां बोली, मेरे बेटे और जैसे सब बच्चों को पढ़ाई का अवसर मिले। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी राघवेंद्र मिश्रा, उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य एस के द्विवेदी और रुद्र प्रताप के माता पिता और अन्य मौजूद रहे। डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा अपनी वर्किंग स्टाइल की वजह से लगातार चर्चाओं में है। 9 नवम्बर को जिले में अपनी आमद दर्ज कराने के बाद से ही वे लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं। कभी वे एक हितग्राही महिला के हाथ में मोबाइल नंबर लिखकर कहते हैं कि यदि योजनाओं का लाभ नहीं मिले तो मुझे कॉल कर बताना, मैं भी गांव में आकर जानकारी लूंगा। तो कभी गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं से कहते देखे गए कि रविवार को सब कबड्डी मैच खेलेंगे, मैं भी आऊंगा। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत पड़ेरिया से आया है। कलेक्टर यहां के पोषक ग्राम गोपालपुर पहुंचे। इस दौरान वे खुद जमीन पर बैठ गए और महिलाओं को कुर्सी पर बिठा दिया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को फोन पर निराकरण के निर्देश दिए। यही नहीं, स्वागत के लिए लाए गए पुष्प गुच्छ से ग्राम सभा अध्यक्ष और मुकदम का स्वागत कराया। रोजगार सहायक की शिकायत मिलने पर सुधारने की समझाइश दी। अच्छे से बैठो। हाँ, कैसा लगता है बताओ? अच्छा लगता है। लेकिन सारी ताकत जो इसमें है, इस पेन में, तुम्हें कोई ताकत नहीं है। तुम इस पेन से कुछ कर सकते हो, है कि नहीं? तो तुमने फैसला कर दिया कि भाई इतना गेहूं जाएगा, उतना गेहूं जाएगा, मेरी बात जो ये एक तुलना के होता है। मम्मी नहीं उठा दिया? आप फादर है, आप बैठे, बाकी लोग बैठ जाए। ठीक है, समझ गया मेरी बात? बस इतना ही है और कुछ नहीं। कलेक्टिव इलेक्ट्री में है कि नहीं? तो कलेक्ट्री की बहुत बड़ी टोक नहीं है। आइए सुनिए, तो नौकर कितनी भी तनख्वाह पाए रहेगा, नौकर रहेगा कि नहीं सही है? हम लोग बड़ी तनख्वाह वाले नौकर, और हमारा मेन प्रेरणा कौन है? ये राज चिन्ह और वो ध्वज। आप किसके लिए काम कर रहे हो? जो आपको संविधान की प्रस्तावना में कहा गया, तो आपसे बोलने के लिए नहीं बोलना चाहिए। और मैं इसीलिए महाकाल भगवान को साक्षी मानता हूँ। तो रखे मैं जो कर रहा हूँ आपके साक्षी मान लू, चलो मैं गलत भी करूंगा तो फिर आप दंड दोगे, क्योंकि भगवान महाकाल जो है न्याय के देवता है। अच्छा करोगे? अच्छा करेंगे। खराब करोगे? दंड देंगे, है कि नहीं? लोग भूलनाथ बोलते ना, मतलब जल्दी गुस्सा नहीं होते, हो जाए जल्दी संभलते नहीं है। ये खेल बस, ये सारी दुनिया बेटा कुछ नहीं है। ठीक है, पढ़ो, खूब मेहनत करो, फिर सिस्टर को सुधारने की कोशिश करो।
और करना भी चाहिए, जहाँ पैदा हुए हो, जिन लोगों के बीच में हो, है ना। तो अगर उनका नहीं करोगे तो किसका करोगे। लोग यहाँ से अमेरिका पढ़ने चले जाते हैं, तनख्वाह बहुत मिल सकती है, बट अपने देश के लिए आपको करने का मौका छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। भाई कल प्रोड्यूसर तुम्हारी भैया है, बहन जो भी, कौन है बहन है, जब ये बड़ी होगी तो इसको कैसी कैलोरी मिलेगी, ये हम आज तय करेंगे। जो आज मेहनत कर रहे हैं वो इसके लिए फायदा करेगी, तुम्हारे लिए तो क्या बहुत कुछ निकल गया, थोड़ा तो मुझे कर भी पाओगे, बताएगी नहीं।